दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रेड जिंक कॉर्पोरेशन के स्टॉक के बारे में। ड्रेड जिंक कॉर्पोरेशन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखें जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड में देखना मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में पहले लगातार लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखना मिल रहा था, लेकिन फिर अप्रैल से हमको जो स्टॉक है इसमें लगातार यहाँ पर अभी तेज़ी देखने मिल रही है। अप्रैल से हमको स्टॉक में अगेन एक हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 17.53% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने मिल रही है। आज की तेज़ी से हम यहाँ पर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो स्टॉक है पिछले एक लंबे समय से लगातार 4.5450 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने फाइनली इसको ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के बाद हमको स्टॉक में बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। अब यहाँ से हम अब स्टॉक में बात करें तो यहाँ से अब हमारे पास स्टॉक में 512 का जो लेवल है ये यहाँ से ऐसा नेक्स्ट है और रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको यहाँ से स्टॉक में 550, और अगर यहाँ पर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको स्टॉक में यहाँ पर 570, इसके बाद हमको स्टॉक में 600 और 650 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक में 450 का पहले यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन हमको स्टॉक में 419, और अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 394 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट आपको सपोर्ट। तो स्टॉक का कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई वैसे होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।